घुटने में सूजन आने के, जैसा मैंने दो मेजर कारण बताए, घुटने में चोट लगने की वजह से लिगामेंट या मेनिस्कस का टूटना, या फिर हो सकता है कि घुटने की सूजन कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो। इसके अलावा भी 50 से अधिक कारण हैं जिसकी वजह से घुटने में आपके सूजन आ सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सरे करते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये घुटने में सूजन क्यों आ रही है। हमने कई बार देखा है कि ये सूजन कितने दिनों से है, इस पर भी कई बार चीज़ें निर्भर करती है। यदि एक पेशेंट मुझे ये बताता है कि मुझे सूजन सिर्फ 5 या 7 दिनों से है, और एक क्लियर कट चीज़ें बताता है कि मैं पहले जॉगिंग रनिंग नहीं करता था, मैंने अचानक से जॉगिंग शुरू की, तो कोई इंजुरी नहीं हुई, लेकिन अचानक से यदि कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी घुटने में साइनोवाइटिस हो जाता है या सूजन आ जाती है, जिसको हम ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी नई एक्टिविटी आप शुरू करें तो उसमें आप बिल्कुल धीरे धीरे करके उसको शुरू करें। अचानक से स्पीड ना बढ़ाएं, अचानक से ड्यूरेशन ना बढ़ाएं, अचानक से उसकी फ्रिक्वेंसी ना बढ़ाएं।